सर, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया अनिकेत, तुम बताओ क्या चल रहा है? बस सर, मैं एकदम बढ़िया। आप बताइए, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे चल रही है शेयर मार्केट में? यार देखो, मार्केट में तो अभी उतार चढ़ाव है थोड़ा, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो वो सही चल रहा है। अच्छा, अरे सर, मेरे एक दोस्त ने गारंटीड रिटर्न के बारे में बताया मुझे, तो आप बताओ इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? गारंटीड रिटर्न? अरे अरे, ऐसा कौन सा प्लान आ गया मार्केट में? सर, मेरा दोस्त एक डब्बा ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था, कह रहा था इसमें डीमैट अकाउंट खुलवाने की भी जरूरत नहीं है। डब्बा ट्रेडिंग? अरे यार, फ्रॉड है, इसमें फंसना भी मत तुम। एनएससी का तुमने देखा नहीं, तुमने चेतावनी अभी आई थी। फ्रॉड है तो फिर इनका कारोबार कैसे चलता है और एनएससी ने क्या चेतावनी दी है इस पर? डब्बा ट्रेडिंग शेयर बाजार की एक तरह की प्रॉक्सी ट्रेडिंग होती है। ये अवैध और फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग है जो स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर ऑपरेट होती है। डब्बा ट्रेडिंग में भी शेयर बाजार की तरह ही इस बात पर दांव लगाकर पैसा कमाया जाता है कि बाजार आगे किस दिशा में जा सकता है। डब्बा ट्रेडिंग एक तरह की सट्टेबाजी ही है और ये प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट ऑफ इंडिया लॉ के तहत आती है। सेबी ने भी इस पर रोक लगा रखी है। इस तरह की ट्रेडिंग गतिविधि में जो ब्रोकर लगे होते हैं उन्हें आमतौर पर डब्बा ट्रेडर्स या डब्बा ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह के ट्रेडर सेबी या किसी अन्य ट्रेडिंग ग्रुप से रजिस्टर्ड नहीं होते और इनकी ज्यादातर गतिविधियां गैर कानूनी होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इसे डब्बा ट्रेडिंग नाम क्यों दिया गया, तो इसकी वजह भी बता देते हैं। यहाँ डब्बा का मतलब ऐसे बॉक्स हैं जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब ब्रोकर्स के ऐसे नेटवर्क से है जो घरों या छोटे ऑफिसेस से काम करते हैं। ये अपने क्लाइंट की तरफ से ट्रेड करने के लिए मोबाइल फ़ोन या दूसरे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। डब्बा ऑपरेटर काम किसी शेयर ब्रोकर की तरह ही करता है, लेकिन वो वास्तव में शेयरों की खरीद फरोख्त नहीं करता, बल्कि बस अपने लेजर में ट्रेड ऑर्डर डालता है। तकनीकी तौर पर देखें तो इस तरह के ट्रेड से डब्बा ऑपरेटर और निवेशक दोनों पैसा बना सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये देखा जाता है कि पैसा ज़्यादातर डब्बा ऑपरेटर यानी डब्बा ट्रेडिंग ब्रोकर ही बनाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वे निवेशक का पैसा वापस करने से इनकार कर देते हैं। इस तरह अंत में निवेशक फंस जाता है। जब किसी शेयर की कीमत गिरती है तो निवेशक या ग्राहक को नुकसान होता है, उसे तब ब्रोकर को बिड कीमत के अंतर के बराबर राशि देनी पड़ती है। दूसरी ओर जब शेयरों की कीमत बढ़ती है तो डब्बा ट्रेडर निवेशक को मुनाफा देता है। ट्रेडर इस धारणा पर भरोसा करता है कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर निवेशकों को नुकसान होता है, लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब बाजार में काफ़ी तेज़ी हो और ज़्यादातर शेयर मजबूत हो जाएं। ऐसे में डब्बा ट्रेडर्स को अपने निवेशकों को काफ़ी मुनाफा देना होता है। अक्सर डब्बा ट्रेडर्स ऐसे में अपना कारोबार बंद कर देता है और ग्राहकों का पैसा लेकर भाग जाता है। अगर शेयर बाजार के लीगल यानी वैध कारोबार को देखें तो जब किसी निवेशक को शेयरों या कमोडिटी मार्केट में निवेश करना होता है तो वो किसी ब्रोकर से बात करता है। ब्रोकर उसके लिए अच्छी डील तलाश करता है। शेयर मार्केट में कारोबार के लिए कस्टमर या ब्रोकर के पास वैध ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इस तरह की डील पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स यानी STT या कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स यानी CTT देना होता है, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें एक्चुअली एक्सचेंजों पर शेयरों की कोई खरीद तो होती ही नहीं है, इसीलिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है और ना ही किसी तरह का टैक्स। डब्बा ट्रेडिंग के तहत शेयर बाजार में कोई वास्तविक ट्रेड तो होता नहीं, इसलिए कोई प्रमाण भी नहीं होता। सिर्फ ब्रोकर के लेजर में ये नोट होता है कि किस ग्राहक ने किस कंपनी के कितने शेयर खरीदे। ऐसे में ब्रोकर के फरार हो जाने पर निवेशक ठगा रह जाता है। इस तरह के ट्रेड के सेटलमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज या सेबी की तरफ से कोई गारंटी भी नहीं होती, इसलिए भारी नुकसान की वजह से कई बार डब्बा ऑपरेटर का भी दिवाला निकल जाता है। ऐसी हर परिस्थिति में आखिरी नुकसान निवेशक का ही होता है। अब आप कहेंगे कि अगर डब्बा ट्रेडिंग गैर कानूनी है तो फिर चल कैसे रही है? तो इसकी वजह यह है कि डब्बा ऑपरेटर्स का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। वे काफ़ी गोपनीय तरीके से काम करते हैं और उनका ज़्यादातर कारोबार कैश में होता है। देखिए, जब तक कोई कंप्लेन नहीं आती तब तक डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, और चूंकि अभी रेगुलेटर जो है वो इसको पूरी तरह से अगर देखा जाए तो भारत में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने जैसा बताया कि डोमेस्टिक और खास तौर से स्टेट लेवल पर काफी एक्टिव है, और चूंकि इसमें अगर देखा जाए तो खास तौर से जो एक तरीके से कहें कि स्टेट्स के बाहुबली होते हैं या फिर जो डॉन टाइप के लोग होते हैं वो लोग थोड़ा इस पे ज्यादा एक्टिविटी रखते हैं, और इसी वजह से इस पे बहुत से केसेस भी देखने को मिलते हैं, लोगों की कंप्लेंट भी देखने को मिलती है, लोग पैसे लेके भाग भी जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें कंप्लेंट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से
इस पर एक्शन नहीं लिया गया, और या फिर ये कहे कि एक्सचेंज इसको पूरी तरह से अभी कंट्रोल करने के लिए काबू नहीं कर पाया है। अब ये समझते हैं कि डब्बा ट्रेडर्स निवेशकों को अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। तो पहले कॉल या व्हाट्सएप के जरिए ये लोग निवेशकों को संपर्क करते थे, लेकिन अब तो ये खुलेआम इंटरनेट पर एड भी देने लगे हैं। ये ट्रेडर सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि पर जमकर एडवर्टाइज करते हैं। इसके लिए डीमैट अकाउंट खोलने या केवाईसी की जरूरत भी नहीं होती। ब्रोकर अच्छे रिटर्न की गारंटी देते हैं, किसी तरह का टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता, इसलिए ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। इस वजह से कई निवेशक लालच में आ जाते हैं। देखिए, डब्बा ट्रेडिंग जो है लोकल लेवल पर काफी हद तक देखने को मिलती है, भले इलीगल होने के बावजूद भी इन्वेस्टर को वहां पर लगता है कई फायदा, जैसे कि वहां पर कोई टैक्स नहीं होता, कोई ब्रोकरेज चार्ज, बहुत मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोई भी मार्जिन मनी नहीं देनी होती। यानी कि आज के समय में अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्जांपल से समझें, आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम मार्जिन फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 3 लाख रुपए का देना होता है, लेकिन अगर आप डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बिना किसी पैसे के सिर्फ नंबर नोट कराकर आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं और वीकली बेसिस पे सेटलमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस का बीच का सेटलमेंट होता है, बाकी कोई मार्जिन मनी नहीं देनी होती। इसी वजह से इन्वेस्टर डब्बा ट्रेडिंग की तरफ मूव करते हैं। अब आपको बताते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डब्बा ट्रेडिंग के बारे में निवेशकों को क्या चेतावनी दी है। NSE ने 10 अप्रैल को एक बयान जारी कर निवेशकों को चेताया है। NSE ने कहा है कि श्री पारसनाथ बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, श्री पारसनाथ कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड और फेरीटेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम के फर्म गारंटेड रिटर्न के दावे के साथ डब्बा ट्रेडिंग करा रहे हैं। NSE ने इनके फ़ोन नंबर और टेलीग्राम चैनल की भी जानकारी दी है। इसके अलावा ट्रेड विद ट्रस्ट संस्था से जुड़ा भारत कुमार नाम का व्यक्ति भी डब्बा ट्रेडिंग के अवैध कारोबार में लिप्त है। NSE ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि गारंटेड रिटर्न या एश्योर्ड रिटर्न का दावा करने वाले ऐसे किसी स्कीम या प्रोडक्ट में पैसा ना लगाएं। NSE ने साफ कहा है कि शेयर बाजार के इस तरह के प्रोडक्ट गैर कानूनी हैं। ये कंपनियां NSE में रजिस्टर्ड भी नहीं हैं और इन कंपनियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। NSE ने कहा है कि इस तरह के प्रोडक्ट में निवेश पर किसी तरह का नुकसान होने पर पूरी जिम्मेदारी निवेशक की होगी। डब्बा ट्रेडिंग भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल एक्टिविटी है। इस तरह के ट्रेड या सट्टेबाजी से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। अगर आप इसमें फंस गए, आपका पैसा डूबा, तो कोई भी नियामक या रेगुलेटर या सरकारी एजेंसी बचाने नहीं आएगी। पूरे नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। यही नहीं, गैर कानूनी कारोबार में शामिल होने के लिए आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। सच तो यह है कि एक्सचेंजों के जरिए वैध तरीके से शेयर बाजार में कारोबार करना बहुत आसान है। आप आसानी से डीमैट अकाउंट खोलकर शेयरों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इसलिए डब्बा ट्रेडिंग जैसी गैर कानूनी गतिविधि से आपको दूर ही रहना चाहिए।